नमस्कार। आज जिस तरह आप सब ने देखा सुना, हमारे भारत के सबसे लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को संबोधन किया और माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश वासियों के लिए एक इंस्पिरेशनल लीडर के तौर पे लोग देखते हैं। और ऐसे नेतृत्व जो आज हमारे सौभाग्य है भारत देश के लिए, जो दिन रात लगा के देश को सुधारने के लिए, सक्षम राष्ट्र बनाने के लिए जो मेहनत माननीय प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरे लद्दाख वासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी अपने संबोधन में लद्दाख के लोगों के, वहां के निवासियों के भावनाओं को समझते हुए आज जो अपने संबोधन में बार बार लद्दाख को जिक्र करके लद्दाख को एक जो आदर माननीय प्रधानमंत्री जी जो दे रहा था, और साथ ही साथ अपने संबोधन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लद्दाख के वासियों के पहचान, जो हमारे आइडेंटिटी, हमारे संस्कृति, हमारे उस क्षेत्र के विकास, सभी चीजों पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने शब्दों में कहा, और विशेष रूप से हमारे पॉलिटिकल एस्पिरेशंस और हमारे डेवलपमेंटल स्पिरिट खासकर, और माननीय प्रधानमंत्री जी अपने संबोधन में शोलो का जो उन्होंने जिक्र किया, और कर्नल सोनम वांगचुक जी जो इस देश के वीरों में से एक महान वीर था, उनको अपने संबोधन में उन्होंने जिक्र किया। और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने सरकार के सुविचार को दर्शाते हुए जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ लद्दाख तीनों खित्ते का, और आज इसको लद्दाख को यूनियन टेरिटरी और जम्मू कश्मीर को अलग से यूनियन टेरिटरी घोषित करने के बाद पूरे देश के साथ लद्दाख को भी जो इक्वालिटी, जो सेकुलरिज्म, समानता जो आपने अपने संबोधन में भारत देश के सामने दर्शाया, हम आपका आभार व्यक्त करना चाहते हैं, क्योंकि आज तक भारत के इतिहास में आप पहला प्रधानमंत्री जो है जिसने लद्दाख को इतना कदर किया, लद्दाख के भावनाओं को इतना आपने महसूस किया और लोगों के देश के सामने आपने आज रखा। हमारे पास आपको धन्यवाद करने के लिए शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपके छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते हम आप जैसे नेतृत्व पे गर्व करते हैं, और साथ ही साथ आपने जो हमें आश्वासन दिया लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनने के बाद वहां के स्थानीय लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले, और लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल दोनों को एम्पावर करके पूरे लद्दाख के विकास को इस दो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स के द्वारा लद्दाख के विकास को आगे ले जाने के आपने जो आश्वासन आज देश के सामने आपने रखा, हम इसका आपका कृतज्ञ है और आपको हम सब आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।